हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पॉन्ज केक। देखिए केक कितना सॉफ्ट लग रहा है, इसको काट कर देखते हैं। ये देखिए, इसको मैंने काट लिया है इस तरह से। इसके अंदर पूरे ड्राई फ्रूट्स हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। देखिए कितना सॉफ्ट है ये। चलिए इसको बनाते हैं। फिर सबसे पहले आप एक बाउल लेंगे, इसमें मैंने 4 एग्स डाल दिए हैं, होल एग्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी लम्स इसमें ना रहे। इसे अच्छी तरह फेंटने के बाद ये फोमी फोमी हो जाएगा। अब इसमें आप एक ग्लास शक्कर डालेंगे। शक्कर डालने के बाद भी इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिएगा कि शक्कर पूरी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। जब तक मिक्स ना हो आप अपना हाथ चलाते रहिएगा। देखिए कंसिस्टेंसी इतनी हो गई है। अब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। आप अपने हिसाब से इसमें रिफाइंड ऑयल, आलमंड ऑयल, जो ऑयल आप चाहते हैं वो डाल सकते हैं। ऑयल मिलाने के बाद भी याद रखिएगा कि ऑयल पूरी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए और कंसिस्टेंसी इसकी एकदम सेमी सॉफ्ट रहेगी। देखिए, और ध्यान रखिए कि कोई भी लम्स ना रहे। अब इसमें हम 1 कप मैदा डालेंगे। मैदा हम बारी बारी से डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। मैंने पहला बैच डाल दिया है, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिला दूंगी। इसी तरह से आप बाकी के मैदे को भी डालकर मिला दीजिए। साइड में जितने भी लम्स बने हैं याद रखिए उन्हें अच्छी तरह से निकाल के मिक्स कर लीजिएगा। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा डाला है। ध्यान रखिए बेकिंग पाउडर आपको 2 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसमें मैंने अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। मैंने इसमें काजू, किशमिश डाला है। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। जब ये मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसमें वेनिला एसेंस डालेंगे। मैंने इसके लिए 2 टेबलस्पून वेनिला एसेंस डाला है। आप कोई भी अपना फेवरेट फ्लेवर डाल सकते हैं इसमें। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब मिक्स हो जाए हम एक बेकिंग पैन लेंगे, इसको हम घी से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे ताकि जब कुक हो तो अंदर की तरफ लगे नहीं है। देखिए मैंने इस तरह से हाथ से इसे डाल दिया है। आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से सारी तरफ लगा दीजिए। अब इसमें हम धीरे धीरे करके अपना बैटर वहाँ पे डालेंगे। ध्यान रखिए कि सारा बैटर जो है वो आप अच्छी तरह से इवनली डालें ताकि आपका केक भी इवनली ही फॉर्म हो। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कुछ ज्यादा ही ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। अब इसको हम गैस पर चढ़ा देंगे और 40 मिनट तक इसको पकाएंगे। 40 मिनट बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह पक चुका है और आपका केक रेडी है। एंजॉय। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और देखने हैं तो प्लीज हिट द बेल आइकन और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट एंड हैव अ नाइस डे।